वेलकम सभी, कैमरा सही से काम कर रहा है, होपफुली इस बार फोर्स क्विट नहीं होगा गेम। भाई टाइम है तुम्हारे पास 2 मिनट का, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो फिर वीडियो देखो, ठीक है? You lived here, चालीस I पच wonder. आ यप, तो भाई हमारी ये एंशिएंट ट्रेसेस वाला हमने मैजिक ये कंप्लीट शिट यार, हमारी प्रोग्रेस लूज हो गई। कोई बात नहीं, हमारी केवल वही प्रोग्रेस लूज हुई है जिसमें हम लोगों ने एंशिएंट ट्रेसेस ऑफ मैजिक फाइंड किया था। किसी दिन बैठ कर आराम से करेंगे, अभी हम लोग अपनी मेन क्वेस्ट पे चलते हैं, राइट? बट मैन क्या बात है, गेम बहुत अमेजिंग है और रात होने वाली है, याद रखना। डीक के पास जाना है हमें रात को, क्योंकि रात में ही हम मून काफ नाम था उसका, मून काफ को हम रात को ही पकड़ सकते हैं। एक चीज नोटिस की, जमीन के पास आते ही ये ब्रूम की स्पीड धीमे हो जाती है, लेकिन जमीन के पास उड़ाने में अलग मजा आ रहा है, आसमान में उड़ाने में इतना मजा नहीं। एक मिनट, ये क्या है? और भाई वुल्फ, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, जगमगा रहा है चुकनू जैसा, जैसे चुकनू मैं बन के नाचू। टू टू टू, अरे ये तो लाइट है, कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ कैसे लाइट है? बिजली बिजली कहाँ से आई यहाँ पे भाई? बिजली कहाँ से आ गई यहाँ पे? हमने पहला मर्लिन ट्रायल कंप्लीट किया था, मर्लिन ट्रायल पता है मैं कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि लीच जूस नहीं चाहिए भाई, ऐसा जूस तुम ही पियो। तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमको एक प्रोफेसर मिली थी जिसके एशवाइंडर्स लोग ना परेशान कर रहे थे, जिसको उस प्रोफेसर को, वाओ जस्ट लुक एट इट भाई, अगर यहाँ पे कोई हिडन दरवाज़ा हुआ जो हम लोग को बाद में पता चला ना, तो भाई मैं तो इस गेम को गॉड ऑफ वॉर की कैटेगरी में रख दूंगा फिर। जस्ट लुक एट इट, क्या सूदिंग गेम प्ले है। तो वो जो प्रोफेसर मिली थी जिसकी हमने मदद की थी एशवाइंडर्स से लड़के फिर मर्लिन ट्रायल कंप्लीट करने में, वो मर्लिन ट्रायल के बारे में ही ढूंढ रही थी, खोज रही थी, मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। अंदर जाना है लगता है हमें, अब अंदर चलते हैं। तो हमने उसकी हेल्प तो कर दी, यू कैन नॉट इंटर वाइल माउंटेड, हमने उसकी हेल्प की तो उसने बोला था कि मर्लिन ट्रायल कंप्लीट कराने में हमारी हेल्प करने के लिए थैंक यू, लेकिन फिर 1.5 घंटे हमको लगे थे जब हम लोग वहाँ गए हुए थे ज़मीन में जो मैप बना हुआ था और जो प्रोफेसर रेकहम और जिनके पोस्टर्स बने हुए थे, और उन्होंने हमसे कुछ ट्रायल कंप्लीट करने को कहा था कि अगर तुम्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टोरी के बारे में तो तुम ट्रायल्स कंप्लीट करो। भाई उसने भी वो जो पूरा प्रोग्रेस थी हमारी, इतने सारे ओपोनेंट से लड़के हमने जो कंप्लीट किया था, उसको भी उसने मर्लिन ट्रायल ही बोला था। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वेलकम बैक, हैव यू फिनिश्ड योर असाइनमेंट्स? रिपोर्टिंग बैक प्रोफेसर, असाइनमेंट्स ऑल फिनिश्ड। वेल डन, शोज गुड डिसिप्लिन, विजडम इज अ गोल्डन स्निच एज दे से, and you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum, a charm incidentally created to stop Quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Quidditch size deliberate, pata nahi mujhe kya hai, dekhte hain. अरेस्टो मोमेंटम, मोमेंटम रोक देना, यही होगा मतलब अरेस्टो मोमेंटम। हाँ
राइट समझ गया. वेरी गुड. आई रिकमेंड प्रैक्टिसिंग योर न्यू स्पेल एज मच एज पॉसिबल परहैप्स बिफोर यू लीव हियर. ओके अरेस्टो मोमेंटो. तो एक्यो तो यहाँ लगा हुआ है तो डिपल्सो रहने देता हूँ यहाँ पे और इसको यहाँ पे लगा देता हूँ. राइट इसकी हमें ज़रूरत नहीं है. ये बैग जो है विक मिनट मून काफ को पकड़ने के लिए ज़रूरत है. और ठीक अभी चलते हैं वापस डीक के पास. रात हो गई क्योंकि डीक किधर है हमारा. हमारा डीक तो हमारे पास है. गेम का डीक कहाँ है. चल भाई चल भाई चल जल्दी चलो कि इससे पहले सुबह हो जाए. साउथ हॉगवर्ट्स रीजन. ओ भाई अरे ताऊ आ गए अपन. ठीक है आ गए. कहाँ हूँ कहाँ है भाई मून काफ. बात करनी पड़ेगी क्या इससे. आई थिंक डिग से बात करनी पड़ेगी पहले. What the fuck, dude? Yeah. Deke, what am I meant to be doing again? You should try to find a moon calf. Moon Since calf. They only come out at night, you may have to wait a little while, depending on what time it is. बस इतनी बात है. ठीक है. I think अब हम वहाँ जाएंगे तो moon calf निकल आएगा. Hopefully. Moon calf. मैं एक मिनट मैं डिसइल्यूजनमेंट वाला लगा लूँ क्या चाम. तो होपफुली ये निकल आएंगे. मुनकाफ मुनकाफ किधर हूँ मुनकाफ. मुझे दिख क्यों नहीं रहे मून काफ. मुझे नहीं दिख रहा मून काफ यार. हाँ ये क्या था. लाइट कैसे जल गई वहां. रेस्क्यू अ मून काफ. आ जा भाई रेस्क्यू कर लूँ मैं तेरे को. क्यों नहीं आ रहा है मून काफ. आ जाओ. लुमॉस लगाऊँ क्या. लुमॉस लगा के देखता हूँ. लुमॉस. ओ भाई अरे भाई पकड़ लिया साले को. पकड़ लिया साले को. लुमॉस की दिक्कत थी. तू भी आ तू भी आ तू भी आ तू भी आ. लुमॉस लगाने की दिक्कत थी बस. Dears. It was a bit trickier Dears than the others, but I have a moon calf now. Another beast, na, na, safe na, and sound. Na, na. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you gathered back to the room. All right. Bus. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. I'm not ready. Bhagya se. वेट अ मिनट वापस जाना है हमको. क्वेस्ट देखते हैं हमारी कहाँ तक आ गई. ये तो कंप्लीट हो गई. एंड द लूम
रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुई अभी तक भाई, बहुत लंबी क्वेस्ट जा रही है इसके साथ। बिक मेरे भाई इतना मत परेशान कर। हॉगवर्ट्स क्राउन्स अवेलेबल क्वेस्ट, ये क्या है? हॉग्समीट है ये छोटा सा गांव है अपर हॉग्सफील्ड। हॉगवर्ट्स का मैप देखते हैं। ओके चलो, हाय हाय, कैमरा स्मूथ है कि नहीं है? स्मूथ हो कैमरा कि नहीं हो? स्मूथ है कैमरा। अरे भाई, अरे भाई, किचक वी डुप भाई, बनाने वाले ने भी क्या चीज बनाई है। मुझे अच्छे से याद है भाई, PS2 में जब हम लोग गेम सेंटर जाया करते थे गेम खेलने के लिए, वो भी क्या दिन थे। और 2D गेम खेलने के लिए भाई इतना परेशान हुआ करते थे ना कि क्या बताएं। और अब देखो, एक इंसान को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग एक गेम के अंदर, गेम की दुनिया बनी हुई है पूरी। समटाइम्स आई वंडर व्हाट रिटर्न टू द रूम ऑफ रिक्वायरमेंट्स व्हाट। Revelio. Ravenclaw door knocker. खुल जा, खुल जा। Return to the room requirement room. Wait a minute. नहीं कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग मैप से चले जाएंगे। कहाँ पे है? यहाँ से कहीं वेट अ मिनट, गलती हो गई क्या हमसे? हमने क्वेस्ट को हटा दिया आई थिंक। हाँ हटा दिया हमने, क्वेस्ट अपने चूज कर लिया है। चलो आई थिंक हमको भाग के ही जाना पड़ेगा। तो फिर ये हमको यहाँ क्यों लाया था, ये मुझे नहीं समझ में आया। वो कुछ पर्पल सा कुछ था। एक मिनट, यहाँ कुछ ये एरिया तो मैं नहीं देखा अभी तक। कोई बात नहीं, अभी हम क्वेस्ट पे ध्यान देंगे। एक्सप्लोरेशन के लिए तो भाई पूरा गेम पड़ा है। हम लोग इधर आए क्यों थे ये मेरे समझ नहीं है, हम लोग आए क्यों थे? मैंने सही क्वेस्ट चूज किया था, आई डोंट नो। कोई बात नहीं, ये तो प्रोफेसर का है। नहीं प्रोफेसर का नहीं है, डॉक्टर है। ऐसा लगा जैसे प्रोफेसर की क्लास का डोर है। ये तो बाहर ही निकला है हम लोग। चल भाई, बहुत ही अजीब सी आवाज़ आई। कोई ऐसा लगा जैसे डोनाल्ड डक बिल्कुल शांति से बुला रहा है कुछ कहने के लिए।
वैसे तुम लोग अमेरिका's Got Talent देखते हो? मैंने एक कंटेस्टेंट का वीडियो देखा भाई, वो डोनाल्ड डक की आवाज़ में गाना गा रहा था, ओपी था भाई वो तो। चलो हाँ भाई डिक्कू। There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. Achha. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Achha. Iske muh mein itna dhoop kyun pad raha hai? What exactly did you think of? क्या सोच रहा है भाई? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई, बस कर भाई। You've done it. But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Herbology class. गार्डन है भाई ये तो पूरा, what the fuck? ओह भाई साहब, what the fuck? Look at this, it's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. मतलब यहाँ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग। What the fuck? They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. RB to open beast management. Add beast to vivarium. Add beast to vivarium. Add beast to vivarium. हम लोग यहाँ उड़ सकते हैं क्या? Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskin hair, for example. If you gather some magical materials from the beasts, Dee can show you how to use them. Very well. ठीक है ठीक है, बाकी मत बताओ, हमको अभी घूमना। ब्रूम क्यों नहीं दे रहा भाई? मुझको जाना था यार, उड़ के देखना था, घूमना था। उड़ने नहीं देगा ये। कलेक्ट जॉब एंड ऑल फर्दर। अरे रुक भाई, मैं पहले घूम के आता हूँ। नाइस, व्हाट द फक, व्हाट द फक। आई थिंक यही बाउंड्री है, यहाँ से आगे हमें नहीं जाने देगा ये। यप, हमारे लिए नहीं है ये। That's a bummer. भाई हम नहीं जा सकते। अरे यार, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है अगर जाने देता तो। शिट, चलो कोई बात नहीं। कलेक्ट जॉबर नो पफ स्किन फीड एंड ब्रश बीस टाइम विल रीच। अच्छा अच्छा, फीड करूँ फिर ब्रश करूँ, कुछ ज्यादा काम नहीं करवा रहे भाई साहब आप। फीड करूं फिर ब्रश करूं तब जाके देंगे ये हमको पफ। ले भाई खा ले।
भाई ये तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ले भाई मजा ले ले तू पूरा कलेक्ट। चल ठीक है, और कहाँ है वो रहा, और भाई ये ले खा काले काले काले, अरे शर्मा मत काले काले काले, जल्दी खा ले तू 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 भाई समय लेगा ये तो बहुत, इस तरह फार्म करना है तो। खा लिया, ले ब्रश करा ले, हो गया कलेक्ट कर लेता हूँ। चल एक और बचा है, कहाँ है अपना मून काफ, मून कफू ये रहा, अरे मून कफू खा ले, चलो ब्रश करा लो, चलो बीरस करा लो, बीरस करेक्ट करो। चल भाई इससे बात कर, बस कर भाई अब इतना मत करा कामों पे। First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Mm-hmm. Gear identify, हाँ इन सब से हमारा कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाएगा। नाइस 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 नाइस। पोशन स्टेशन है, डीक से बात नहीं करनी, कंजोर एंड एनचांटेड लूम, कंजोर एंड एनचांटेड लूम कैसे, हाउ, मैं तो भूल भी गया कैसे कैसे बनाते थे यार एनचांटेड रूम। कंजोर एंड एनचांटेड लूम कैसे बनाते थे भाई, हम तो भूल गए। I've more to teach you about transfiguration. I have a moment. बताइए जी कैसे। I'm ready for the next lesson, professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Okay. Conjure wall decorations. Revelio. Right. कैसे करूं कंजोर, भूल गया बे मैं, अबे भूल गया मैं कंजोर कैसे करना था। कंजूरेशन टेबल होती है क्या कोई, ये क्या कंजूरेशन टेबल, नो अनआइडेंटिफाइड गियर, भाई मैं तो भूल गया यार कंजूर कैसे करते थे अपना, मैं तो सब बटन वटन दबा के देख लिया। Wait a minute. I think हमको conjuring spell ये है, ठीक है, okay. Decoration, हाँ
लो ई रखो यहाँ पे, यहीं पे रख दो इसको, बस ठीक 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 बस ठीक है ठीक है। हमको क्या लेना था क्या लेना था हमको यार, कुछ बोला था इसने कुछ बनाने को, जाओ क्वेश्चन देखते हैं वहां समझ में आएगा। हाँ कंजूर अ इंचांटेड लूम, ठीक है इंचांटेड लूम डेकोरेशन नहीं यूटिलिटी, डिस्क ऑफ डिस्क्रिप्शन इंचांटेड लूम ये रहा। अच्छा जी बहुत बढ़िया जी, ये सही है। हाँ ठीक है क्या बनाया जाए, गेयर फीचर्स ऑन प्रमाण बुला 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 बिला बिला इंचांटेड लूम गोल्ड ड्रैगन आइड स्पेक्टिकल्स। अच्छा तो ये सारे हमारे पास मटेरियल्स हैं जिनको हम अपग्रेड कर सकते हैं। ऑल राइट बाद में करेंगे। ऐड अ ट्रेट टू एन आइटम ऑफ क्लोदिंग अपग्रेड एन आइटम ऑफ क्लोदिंग, देखते हैं पहले हमारे पास कौन सा आइटम है जो हम अपग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेड कर लें फिर उसके बाद करते हैं उसको। ये देखो 7 पड़ रहा है इससे तो ऑब्वियसली इसको बर्गंडी क्विडिच क्लब्स, ठीक है बर्गंडी क्विडिच क्लब्स को हम करेंगे, और इसमें 12 पड़ रहा है। और ये मास्क बहुत ही घटिया मास्क लग रहा है भाई ये तो, लेकिन ठीक है काम चला लेंगे। बर्गंडी क्विडिच क्लब्स वी अपग्रेड्स डिफेंस, ठीक है ऐड अ ट्रेट टू एन आइटम, ट्रेट कैसे ऐड करते हैं, वी ट्रेट्स एम्फीबियल प्रोटेक्शन डिक्रीज डैमेज टेकन फ्रॉम डग बॉक्स मैनिपुलेशन इंटीरियर टारगेट डज नॉट एक्स्ट्रा डैमेज स्कॉर्चिंग। हाँ ठीक है That came out Tell nicely. Deke you have used the enchanted looms. ले भाई बता तो दे पापा बनाया तू तो अपना। Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. No thanks. Thank you for your help, Deke. The elf, the knapsack, and the loom. All right. देखते हैं कौन सी quest है हमारे पास. Summoner's Court, Match 1. Professor Sharp's Assignment 2. Prepare for your search for the final keeper. Oh. Assignment. Garlic. Sharp's Assignment देखते हैं पहले. फिर Garlic Assignment करेंगे. Take things. After dark, do not tell anyone. चुप कर नाची ओनाई। चल भाई ए असाइनमेंट करने चलते हैं। काफी दिनों बाद हम लोग को दिखाई दी नेट्सी ओनाई। वेट अ मिनट यहाँ पे ये क्या है? Oh, I remember that day. What? Yes. You'd hidden the box. What? Oh, well, of course you keep it in a safe place, somewhere secret where no one would look over. And you don't tell anyone. What? In my trunk. Lumos. Lumos. Well, I was mildly distracted by the shuffling of the mandrakes, I do believe. Do you recall that part too? If I can have a moment of acquire your time. And use an invisibility potion. Acquire and use a thunder potion against enemies. Achcha. Okay.
Okay. Sneezewort and scurvy grass. You after making a befuddlement? Acquire and use the invisibility potion. क्या है ये? नाम क्या है? Focus potion. Maxima, Endurance, Venomous, blah 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 blah. Thunderbrew. Purchase the recipe for Thunderbrew invisibility potion. Purchase the recipe from J. Pippins. Clearly has feathers of some horrible bird that had no pride. Oh bhai. तुम्हें एक्वायर करने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा जे पिपिंस। चलो मैप चलते हैं। बहुत आगे पीछे दौड़ा रहे हैं यार ये लोग हमें। मैप 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 जे पिपिंस हॉग्समीड मैप जे पिपिन जे पिपिन जे पिपिन पोशंस। ये फ्लू फ्लेम मिल गई। चल भाई काम पे लग जा क्योंकि हमें एक पोशन चाहिए है। Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. बेटा ज्यादा बकवास मत करो। मैप पिपिंस। चलो अबे यही है क्या? अच्छा यही है, पीछे ही खड़ा था मैं। Healing potions are a specialty here. Should you need any? राम राम जी। What can I do for you today? Invisibility potion चाहिए अभी तो हमें। ये यार एक ही बार खरीद लेता हूँ, बार बार हम लोग को भेजेंगे ये लोग, है ना? इसको बेच देता हूँ। हमने कुछ काम की चीज बेच दी क्या? What the fuck? Please, 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 काम की चीज ना बेची हो हमने। और ये भाई साहब क्या है ये? हाउस एम्ब्लेम स्कार्फ। काम की चीज बेच दी क्या? अरे बेटी चो काम की चीज बेच दी है हमने यार। लगता मैंने कोई काम की चीज बेच दी एक। चलो कोई बात नहीं, अक्वायर कर लिया हमने। मैप पे चलते हैं अब दोबारा। वर्ल्ड मैप ये लॉक्ड है। फालबोर्ड क्या है? द हाई कीप लॉक्ड है भी। हॉगवर्ट्स का मैप चलते हैं। ये रहा हमारे पास फ्लू फ्लेम। ठीक है ओके। Acquire and use an invisibility potion. Thunderbrew invisibility potion. Release LB. If I could have a moment of your time, I should say a bin. No, thank you. Invisibility potion. My grandmother says that you only have so many heartbeats in your lifetime. Invisibility potion acquire तो कर लिया मैंने, लेकिन इसको बनाऊं कैसे मैं? भाई साहब मानना पड़ेगा, बहुत कंफ्यूजिंग है ये। एस्ट्रोनॉमिक क्लास आ गया। द हाई कीप बढ़ गए हम लोग अपने क्वेस्ट में। फॉलो द बटरफ्लाइज इन द शैडो ऑफ द ब्लड लाइन। इनविजिबिलिटी पोशन बनाऊं कैसे मैं? अरे वहां जाना पड़ेगा हमें, वहां पोशन बनाने के लिए। क्या नाम था मैप? ये ऊपर वाला जो क्या कहते हैं इसको, सीक्रेट रूम्स नहीं, सीक्रेट रूम द रूम ऑफ रिक्वायरमेंट्स। हाँ यहीं पे जाना पड़ेगा। चल भाई कितना देर लगाएगा? अच्छा ये है,
मुझे पता नहीं था सीक्रेट रूम्स के अंडर भी बहुत सारे सीक्रेट रूम्स आते हैं। अब यहाँ पे हमें पोशन बनाना पड़ेगा भाई साहब। फोकस पोशन, मैक्सिमा पोशन, इनविजिबिलिटी पोशन, ठीक है। चलो तब तक मैं और चीज़ें बनाने में लगा ही देता हूँ। This will be more useful when I have something to identify. बाप को मत सिखा। View upgrades. चल। Scorching. ठीक है, चलो एक इनविजिबिलिटी पोशन तो हो गया हमारा ऑलमोस्ट। एक्वायर एंड यूज अ थंडर ब्रू पोशन अगेंस्ट एनिमीज, अगेंस्ट एनिमीज यूज करना है, ठीक है। क्या है ये थंडर ब्रू पोशन? अरे भाई साहब, मिसिंग इंग्रेडिएंट्स, श्रीवेल फिग फ्रूट, श्रीवेल फिग फ्रूट, श्रीवेल फिग फ्रूट कहाँ से पाऊँ मैं? श्रीवेल्फिक फ्रूट कहाँ से पाऊँ? श्रीवेल्फिक फ्रूट, थंडर ब्रू पोशन, श्रीवेल्फिक फ्रूट। भाई साहब मानना पड़ेगा बहुत ज़्यादा एक कंटेंट कुछ ज़्यादा ही है इस गेम में, इतना कंटेंट नहीं होना चाहिए, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। ये फ्रूट तो यहीं मिल सकता है हमें मैजिक नीप में, है ना? मैजिक नीप में ही तो फ्रूट मिलेगा हमें, देखते हैं। हॉग्समीड के अंदर हम उड़ नहीं सकते ब्रूम में, हद है यार। Does it get any more cozy than Hogsmeade? Greetings. Please take your time looking about. Ye raha. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Sab khareed lo. Kaam aata rehta hai. Kya hai ye? Fertilizer. Flux sweets. I don't know. No one can say I don't keep a stacked shelf. Chal 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 map. Hogwarts map. ये रही ब्लू फ्लेम। चलो, जो पहली बार देख रहा होगा, जो पहली बार इस गेम को देख रहा होगा मेरी वीडियो को, वो तो कंफ्यूज हो गया होगा, भाई ये हो क्या रहा है इधर पे? अरे यार, थंडर ब्रू पोशन ब्रू भी तो करना होगा, उसके लिए हमें जाना होगा पहले वहाँ सीक्रेट चेंबर में, रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में। हद है यार भाई साहब। मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा, बहुत खतरनाक, कुछ ज्यादा ही कंटेंट डाल दिया इन्होंने। भाई तीन ही ऐड किए हैं, पागल वागल है क्या? ले तेरी यही सजा है। डुक्कू 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 थिंग्स, यू शुड बी प्राउड ऑफ ऑल द पोशंस यू हैव ब्रूड। इंसेंडियो, एक्सपेलियामस, ग्लेशियस, एकियो, इंसेंडियो, ग्लेशियस, एक्सपेलियामस, एकियो, इंसेंडियो, ग्लेशियस, एक्सपेलियामस। हाँ जी, आपको कुछ कहना है? You've been practicing. देखो, बिल्कुल बीचों बीच मारूंगा, नाक के बीच में। अरे मुंह घुमा लिया।
30 सेकंड बचे हैं यार स्टोरी टाइम. तो स्टोरी ऐसी है कि मैंने आज सोचा था कि मैं एक गेम बहुत ही आराम से खेलूंगा, प्यार से खेलूंगा, और फिर मैंने खोल लिया हॉगवर्ट्स लेगेसी. और मैंने हॉगवर्ट्स लेगेसी खोला तो भाई इतना बोरिंग गेम प्ले बना दिया है इसको, कितना बोरिंग गेम प्ले बना दिया है, क्या बनाऊँ मैं, खुद ना देखूँ अपना वीडियो, इतना बोरिंग गेम प्ले भाई. बस चुतिया पाइए सब. मैं बहुत ही चुतिया आप गेम प्ले है ये, हमको नहीं बनाना ये सब बच्चों की, हमको गेम खेलना है यार. काम ही करवाना था तो फिर यार गेम क्यों बनाए. अच्छी खासी गेम की ना बैंड बजा दी इन्होंने. ये पता है साइड में क्वेस्ट होती है ना, जैसे GTA में जब तुम्हें शुरू शुरू में तुमको पूरा पूरा एक मिनट. You sound offended. अरे भाई साहब, अगेंस्ट एन एनिमी यूज करना था. What the hell? अगेंस्ट एन एनिमी यूज करना था. नहीं नहीं प्लीज नहीं नहीं यार नहीं यार नहीं, रोको इसको. Against an enemy use karna tha. Can I help you? I believe you can. I'm Sophronia, by the way, and I need help from someone who's at least a fifth year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time, even taught at Hogwarts briefly. इस एपिसोड को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है? ये गेम कम लग रहा है मुझे, और सच में मुझे असाइनमेंट ज़्यादा लग रहे हैं, और उसकी वजह से मैं इस गेम को अबैंडन कर रहा हूँ. सॉरी, लेकिन इस गेम को मैं अबैंडन कर रहा हूँ. आई एम थरली डिसअपॉइंटेड विद दिस गेम. मे बी ये मेरे लिए नहीं है, मे बी तुम लोग को ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा जो खेल रहा होगा. सॉरी बट आई एम थरली डिसअपॉइंटेड विद दिस गेम. इतना ज़्यादा बोरिंग कंटेंट इसमें घुसा के ज़बरदस्ती डाला गया है ताकि केवल ऐसा लगे कि हम लोग धीमे धीमे स्टोरी प्रोग्रेस कर रहे हैं. भाई हमको धीमे धीमे नहीं प्रोग्रेस करना है, हमको सीधे सीधे कंटेंट दो. हमको नहीं कोई जानवर को उठा के उसको प्रेस करना, हमें नहीं खाना खिलाना उसे, हमें स्टोरी पे. भाई क्या चूतिया गेम है ये, फ्रस्ट्रेट हो गया भाई मैं तो. शुरू में देखा था तुमने कितना बढ़िया मूड था मेरा, इतना बढ़िया मूड कि माँ चोट दी भाई. मेरे को बिल्कुल भी बेकार लगा ये चीज़ कि फालतू में इतने सारे असाइनमेंट घुसा दो, इतनी साइड क्वेस्ट घुसा दो, और इन साइड क्वेस्ट को कंप्लीट करे बिना मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा गेम में. अब मुझे अगर मेन गेम कॉन्टेंट खेलना है तो पहले मुझे साइड क्वेस्ट करनी होगी. ये कोई तरीका नहीं है गेम को बनाने का. जैसे गॉड ऑफ वॉर में कितनी सारी साइड क्वेस्ट हमने मिस कर दी, हमने छोड़ दी. क्यों? क्योंकि हमें गेम का असली जो मेन कंटेंट है उसे खेलना था, क्योंकि उसके लिए एक्साइटेड था मैं सबसे ज़्यादा. साइड क्वेस्ट सबके लिए नहीं होती हैं, मेन क्वेस्ट जो होती है ना सबके लिए होती है वो, क्योंकि वही एक क्या कहते हैं मेन कोर कंटेंट होता है गेम. इसमें ये प्रॉब्लम है कि साला उस मेन कंटेंट को खेलने के लिए सारी साइड क्वेस्ट पहले फिनिश करो. देख रहा हो, खड़ो मैं बैक भी नहीं कर पा रहा इधर से, मुझे पूरी बात इसकी मुझे नहीं सुननी इतनी बात इनकी. If you tell me where to go, I'll see what I can. I can't मुझे नहीं wait सुननी to see Herodiana's famous ensemble. अब तुम देखो क्वेस्ट, देख रहे हो एक क्वेस्ट, देख रहे हो ये द हाई कीप, ये है मेन क्वेस्ट. ये देख रहे हो एस्ट्रोनॉमी क्लास, देख रहे हो, देख रहे हो ये सारी साइड क्वेस्ट हैं जिनको हमें करना है फिनिश, तब जाके हम अपने मेन क्वेस्ट में धीमे धीमे आगे बढ़ पाएंगे.
देख रहे हो प्रोफेसर गार्लिक का असाइनमेंट, प्रोफेसर शार्प का असाइनमेंट, प्रोफेसर कोगावा का, मिस कोगावा का असाइनमेंट। अब एस्ट्रोनॉमी क्लास शायद पहली बार आए हैं, बीस्ट क्लास हम लोगों ने देखी थी पिछली बार, तो उसका असाइनमेंट अभी तक नहीं आया, वरना उसका भी जुड़ेगा। ये एस्ट्रोनॉमी क्लास में इसका भी एक असाइनमेंट जोड़ देंगे। भाई हम लोग गेम खेलने आए हैं, हमको नहीं करना ये फालतू का चुतियाप, हमको मेन कंटेंट दीजिए। आप साइड क्वेस्ट ऐसे बनाइए कि साइड क्वेस्ट जिसको स्किप करना है वो अभी स्किप कर ले, मेन कंटेंट पे फोकस करे, मेन गेम खेल ले। अब कोई मूड बना के आया है कि चलो यार देखते हैं कि हॉगवर्ट्स में आगे क्या होगा, हमने मर्लिन ट्रायल कंप्लीट कर लिया पहला, अब वो मर्लिन ट्रायल मुझे कंप्लीट हुए 2 हफ्ते हो गए, तब से कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, मैं यही साइड क्वेस्ट में ही अटा हुआ। मैं 3 बार गेम को अबैंडन कर चुका हूँ बीच बीच में, 4-4 दिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, केवल इसी वजह से क्योंकि इतना सारा साइड क्वेस्ट है भाई जो कि मैं स्किप नहीं कर सकता। मुझे नहीं जाना किसी की क्लास, मुझे नहीं करना किसी का असाइनमेंट, एब्सोल्युटली बुलशिट, थरली डिसअपॉइंटेड। भाई मुझे पता है तुम लोग सोच रहे होगे कि यार हु गिव्स अ फक अबाउट माई थॉट्स, आई नो नोबडी गिव्स अ फक, लेकिन भाई गॉड ऑफ वॉर GTA पसंद इसीलिए आया था क्योंकि उसमें आप कुछ भी कर सकते थे, यू हैव द चॉइस। इस गेम में आपके पास चॉइस नहीं है, इस गेम में आपको ये क्वेस्ट जो इनने बता दी आपके पास वो करना ही पड़ेगा, और जब करना ही पड़ेगा वाला बात आ जाता है ना तो वो जो फन फैक्टर है वो निकल जाता है, फिर आपके अंदर वो वाला फैक्टर आ जाता है कि आपको बस किसी तरह से फिनिश करना है, जस्ट टू प्रोग्रेस, जस्ट टू रीच अ फन पार्ट, आपको किसी तरह से ये पूरा प्रोग्रेस कंप्लीट करना है ताकि आप किसी तरह से उस फन पार्ट में जा सके। तो भाई आई एम डन विद दिस गेम, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। मुझे शुरू में काफ़ी अच्छा लगा था, इसका गन मतलब फाइटिंग गेम प्ले बहुत बढ़िया है, मैकेनिक्स बहुत अच्छे हैं, कंटेंट बहुत ज़्यादा है। मुझको नहीं जानना कि कितने सारे फल होते हैं जो मेड अप फल हैं, अरे भाई मुझे नहीं जानना कितने तरह की मेड अप चीज़ें होती हैं, मेड अप अलग अलग बीस्ट हैं, ये है वो है, भाई नहीं जान पाएंगे इतने सारे नाम, नहीं याद रहते हैं। पढ़ाना पढ़ाई करने जैसा लगने लगा है कि अरे भाई क्या पढ़, क्या लिखा है, कुछ नया तो नहीं, छूटा तो नहीं जा रहा, अरे भाई नहीं जानना, नहीं करना, इतना ड्रामा नहीं करना चाहिए गेम में। इन्होंने कंटेंट के नाम पे ऐसा लग रहा है कि डिक्शनरी घुसा दी है किसी दूसरे दुनिया की वो भी, और उस दुनिया की लैंग्वेज हमें पता नहीं है। अब जस्ट चेक इट आउट, जस्ट चेक इट आउट, मैं दिखा रहा हूँ तुमको, तुम देखो, देख रहा हूँ, इतने सारे कास्ट करने के लिए स्पेल्स हैं, ठीक है, ऊपर से एक स्पेल के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल मतलब कॉन्जरिंग स्पेल से हम जाने क्या क्या बना सकते हैं, जाने क्या क्या। भाई ओपन वर्ल्ड गेम को बहुत ही ज़्यादा सिंपल होना पड़ेगा, अगर इतना दिमाग चलाना पड़ेगा तो आदमी गेम नहीं खेलेगा। भाई बहुत हो गया, मैं बहुत बोल लिया, मैं तो बस अब नहीं हो पाएगा मेरे से, ये हॉगवर्ट्स की सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है, ठीक है, मैं फ्यूचर में देखूंगा, अगर मन किया तो इसको एक बार और ट्राई कर लूँगा, और या तो फिर मैं बहुत ही गजब तरीके से फेल कर रहा हूँ और मैं मिस कर रहा हूँ कि इसकी साइड क्वेस्ट को किसी तरह से हम स्किप कर सकते हैं, जैसे GTA है, GTA में आप ना पहले मेन क्वेस्ट पे ध्यान देते हो, मेन क्वेस्ट के बाद आपके पास एक टारगेट होना चाहिए, इसमें टारगेट नहीं, इसमें तो पूरा का पूरा एक तो सिलेबस दे दिया फर्स्ट ईयर का, ले फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट कर तब जाके तेरे को फाइनल एग्ज़ाम में बैठने को मिलेगा, तब जाके तेरे को खेलने को मौका मिलेगा। भाई नहीं हो पाएगा ऐसा। चलो इस एपिसोड यहीं तक रखते हैं भाई, और इस वीडियो में खुद तुम मेरा रेंट समझ लो चाहे जो समझ लो, मेरे बस का तो नहीं है, मे बी मैं एक और वीडियो स्मॉल वीडियो बना दूँ कि क्यों ये गेम मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है। मैं
नया गेम डाउनलोड कर रहा हूँ, मेरे बस का नहीं है चूतिया गेम खेलने का। फालतू का कंटेंट भाई कूट कूट के भरा है। कोई अगर अच्छे गेम की माँ चोदना कोई इनसे सीखे। बाय बाय, टेक केयर।